इसमें हम बात कर रहे हैं वीडियो में ए आई पी एम टी मेन्स टू थाउजेंड टेन के क्वेश्चन के बारे में ओके। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियो फेज इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑल फोर ए, बी, सी एंड डी, वो कैसे हैं करेक्ट है ओके okay? तो इसमें हम देखें जो ए पार्ट है जो ए पार्ट है वो कौन सा हेड बी शीथ सी कॉलर है और डी क्या है टेल फाइबर्स तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें आंसर विल बी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी जिसमें हमें बताना है द फोर ऑप्शन ऑल द आइटम ए बी सी एंड डी आर करेक्ट तो ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं हमें और ये पूछ रहा है कि किसके स्ट्रक्चर्स हैं ये यह? यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे ओके okay. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इनके बारे में डायग्राम्स तो किसका है ये आंसर क्या होगा इसका हमारा आंसर विल बी सेकंड ए सेलेग्निला बी इक्विसेटम सी साल्विनिया एंड डी गिंको नेक्स्ट क्वेश्चन इन यूकेरटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आर एन एंड आर एन कैपिंग टेक्स प्लेस इन साइड दी किधर होते हैं देख इन न्यूक्लियस सिक्सटी फोर क्वेश्चन द फिगर गिवन बिलो शो कन्वर्जन

एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एनर्जी एंड डी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ओके इसमें सी में ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है ये एनर्जी ये गलत मार्ग किया हुआ यहां पर आपका एंजाइम आएगाक्स्ट क्वेश्चन एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलाेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लास विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड किसकी हेल्प से होता red, pink, red, pink, captlar, captlar, smaller, smaller तो है ये विद हेल्प ऑफ विद्पऑफन इन एंथीनियम टू प्लांट विद पिंक फ्लावर वर फॉर हाइबाइज प्लांट प्रोड्यूस रेड पिंक एंड वाइट फ्लावर इन द प्रोपोर्शन ऑफ वन रेड टू पिंक एंड वन वाइट बट कुड बी द जीनो टाइप ऑफ द टू प्लांट्स यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन रेड फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल डिटर्म कैपिटल कैप्टर एंड वाइट बाय स्मॉल स्मॉल स्मार्मीन्स तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो क्या होगा जीनोटाइप इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर नेक्स्ट द लैक ओपेर कंसिस्ट ऑफ लैक ओपेर में क्या क्या होते हैं एक रेगुलेटरी जीन होगा और तीन स्ट्रक्चरल जीन होंगे लैक जेड वाई और लैक ए ए क्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप इन इज क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप Is called that is known as test cross. Transport of food material in higher plants take place through yoga through the sieve elements. Crange anatomy is one of the characters of the leaves of that is of sugarcane. Next, consider the four statements A, B, C, and D and select the right. ऑप्शन फॉर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स तो यहां पे चार स्टेटमेंट दी हुई है हमें तो और बतानी है कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं देखें रीड आउट करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ए एंड बी आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन पिस्टिया में किस हेल्प से होता है ऑफसेट्स की हेल्प से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस इनमें से कौन सा एक मोनोशियस है दैट इज पाइनस द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन इज तो करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा है सोयाबीन का दैट इज सेकेंड वन एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन में है थर्ड वन स्टडी द पाथवे गिवन बिलो हमें पाथ शो किया हुआ है और इसमें बताना है ए बी और सी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी सी फोर साइकिल का शो किया हुआ है ये तो क्या होगा इसका आंसर सेकंड ए फिक्सेशन बी डिकार्बॉक्सीन और सी रीजनरेशन गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल एपरेटस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी आर करेक्टली आइडेंटिफाइड इसका आंसर होगा हमारा थर्ड ए इपिटर्मल सेल बी सब्सिडरी सेल्स टर्चर डी गार्ड सेल्स रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स रीड आउट करें पॉइंट्स को इसका आंसर होगा हमारा डी बी एंड डी ये दो स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट हैं ओके One of the following commonly used plant growth hormone in tea plantation is that is indole acetic acid root development is promoted by the help of auxins next examine the figure a to d given below and select the right option out of 1, is to, 4, 1 to 4 in which ऑल फोर स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी आर आइडेंटिफाइड करेक्टली तो ए शो कर रहा है किसको? को? और में किसके हेल्प से होता है विद्प ऑफ ऑफसेट्स सेकेंड यह है फॉरेस्ट इको सिस्टम कौन सा शो कर रहा है इसमें होगा हमारा सेकेंड बी अपराइट पिरामिड फिर शो की हुई है साइकिल स्टडी द साइकिल शुन बिलो एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच गि करेक्ट वर्ड फॉर ऑल दी फोर ब्लैक्स ए बी सी एंड डी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में शो किया हुआ है तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट ए डी नाइट्रिफिकेशन बी एमोनिफिकेशन सी प्लांट्स और डी में आ जाएगा एनिमल्स which one of the following is a xerophytic plant in which the stem is modified into a flat green succulent structure its answer is fourth opuntia an example of endomycorrhiza is sa hai in me se? that is glomus leguminous plants are able to fix atmospheric nitrogen through the process of symbiotic nitrogen fixation which one of the following statement is not correct during this process of nitrogen fixation तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कौन सी थर्ड नाइट्रोजनेज़ इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन यह स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय किसकी वजह से होता है इट इज बिकॉज ऑफ सेकेंड प्यूसिनिया ग्रेमिनिस प्यूसिनिया ग्रेमिनिस की हेल्प से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फोलोइंग आर यूज इन जीन क्लॉनिंग जीन क्लॉनिंग में किसका इस्तेमाल होता है प्लाज्मेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट प्लेगर होगा थर्ड हीशन ऑफ वायरोलैंड बैक्टीरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बींग कमर्शली प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर इंसुलिन क्रोकोडाइल एंड पेंग्विन आर सिमिलर टू वेल एंड डॉग फिश विच वन ऑफ द फोलोइंग फीचर है करेक्ट कंबिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज पॉइंट दिए हुए हैं और हमें बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं सही हैं तो इसका आंसर है हमारा थर्ड ए बी एंड डी ये स्टेटमेंट्स सही हैं ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है ए बी सी और डी को ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें और हमें बताना है इसमें से कि करेक्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ओके okay? तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ जो ए है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बी है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सी है दैट इज न्यूक्लियस एंड जो डी है दैट इज साइटोप्लाज्म ओके तो इसका आंसर है हमारा 93 का दैट इज फोर्थ थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग तो हमें बताना इनमें से गलत कौन सी है थर्ड है इसका मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स नहीं एंजायम तो ही होते हैं नेचर में एक राइबोजाइम को छोड़कर और वो न्यूक्लिक एसिड है स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ़ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द करेक्टर तो यहां पे दिया हुआ है और हमें बताना है क्या कंक्लूजन इसमें से निकलेगा ओके तो इसका आंसर है फोर्थ द फीमेल पेरेंट इज हाइड्रोजाइगस नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट एपेरेंट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमोसेपिन्स इज ट्रेस्ड इसका आंसर है थर्ड रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट हैं और हमें बताना कौन सी इनमें से करेक्ट हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एंड आर द रिजल्ट ऑफ किसका रिजल्ट हैं जो विंग्स हैं Miller showed सी एच फोर एच टू एन एस थ्री एंड डैश वेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन फ्लास्क रिजल्टेड इन फॉर्मेशन तो इन्हें देखें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज डैश ऑर्गन एंड एंड डैश एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन एंड फोर्थ है अकॉर्डिंग टू डार्विन इूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग टू ब्लैंक एंड ब्लैंक टू ऑफ द फिटेस्ट तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये नीचे कौन से ऑप्शन सही हैं तो इसमें सही है हमारा फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग स्मॉल वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ओके फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मेटीरियल मेडिसिन एंड विथ नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव बाय इंजेक्टिंग इट इंटू दी आंसर विल बी सेकेंड वेन्स नेक्स्ट सेलेक्ट द आंसर विद करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इट्स लोकेशन एंड फंक्शन तो स्ट्रक्चर लोकेशन और फंक्शन दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बिल्कुल सही है ओके okay? तो so, इसमें हमारा सेकंड हाइपोथेलस फॉर ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एबी ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाई जीन आई विच हैज दे आर अलील्स एंड शो को डोमिनेंस थ्री अलील्स है ये देर नी थ्री देर आर सिक्स चीनोटाइप हाउ मेनी फिनोटाइप इन ऑल आर पॉसिबल तो फिनोटाइप कितने होते हैं ब्लड के फोर विचव फॉलिंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ ए नॉर्मल हुमन स्कैल्टन कौन सा करेक्ट है इनमें से तो इसका है फोर्थ पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर ज्वाइंट बाय फाइबरस ज्वाइंट्स

इंक्रीज हार्ट बीट रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और हमें इनमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है देखे इन्हें पढ़े एक बार तो जो सही है वो है ए एंड डी नेक्स्ट विच वन ऑफ द फोलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकुलर एंटिटिटी इज ट्रू कौन सी सही है इनमें से फर्स्ट द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल ओके विच वन ऑफ द फोलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर और उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई हमें करेक्ट बताना है तो कौन सा इसमें फर्स्ट कार्टेज एंड कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई But do require oxygen for respiratory need. If for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non function, what is likely to happen? Kya Third, protein will not be adequately hydrolyzed by pepsin into proteoses and peptones. Next question In human female, the blastocyst. Get implanted in endometrium by the tropoblast cells. Secretion from which of the following are rich in fructose, calcium, and some enzymes? So its answer will be male accessory glands. Okay. When domestic sewage mixed with river water, the increased microbial activity uses up dissolved oxygen present in water. Which one of the following is most अप्रोप्रिएटली डिफाइंड इंट्रेक्शन के रिगार्डिंग दिया हुआ है ये तो इसमें हमारा सेकेंड प्रीडेटर एक ऑर्गेनिज्म है जो कैच करता, करता है और किल करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए और जो ऑर्गेनिज्म किल होगा उसे कहेंगे हम प्रे जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ इट इज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज कॉज बाय प्लाज्मोडिम एक्सपीरियंस रियकरिंग चील एंड फीवर एट द टाइम वेन जब क्या होगा हीमोजॉइन रिलीज होता है जो कि क्या है टॉक्सिन है तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट द ट्रोपोजॉइड्स रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव्स आउट सर्टेन टॉक्सिन और ये टॉक्सिन्स कौन से हैं हिमोजॉइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैंसर के डिटेक्शन की रिगार्डिंग वो सेफ है एम आर आई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग

तो किसे इस्तेमाल किया जा सकता है बैक्टीरिया को नहीं वो तो होस्ट है प्लाज्म को बैक्टीरिया के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं प्लाज्मोडियम भी नहीं और बैक्टीरियो फेस. तो इसका आंसर हमारे क्या निकल के आएगा आंसर विल बी थर्ड बी एंड डी ओनली द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफ्लाई मिलानो वॉज फाउंड टू बी वेरी सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय मॉर्गन एंड इज कलीग बिकॉज किसकी वजह से it completes its life cycle in about 2 weeks okay signals from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition which requires release of oxytocin from maternal pituitary indian rhinoceros is a natural inhabitant of inhabitant of which one of the indian state so it is of assam the hemoglobin content per 100 ml of blood of a normal healthy human adult is is 12 to 16 gram okay so thanks a lot